सिंहासन लेने लौटी मंजुलिका कार्तिक आर्यन स्टार फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर से आपको साफ पता चल जाएगा कि भूल भुलैया 3 में क्या होने वाला है। टीजर की शुरुआत में आपको विद्या बालन की आवाज़ सुनाई देती है। कार्तिक आर्यन स्टार फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे कि दिवाली के दिन इसका क्लैश अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के साथ होना और एक्ट्रेस विद्या बालन का इस फिल्म के जरिए भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में वापसी करना। विद्या बालन को एक बार फिर से मंजुलिका के रूप में देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। साल 2007 में प्रियदर्शन फिल्म भूल भुलैया लेकर आए, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। फिल्म में विद्या बालन मंजुलिका बनी थी और अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य बने थे। परेश रावल, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल और राजपाल यादव से सजी फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। कार्तिक आर्यन जो रूह बाबा का किरदार निभा रहे हैं, वो मंजुलिका से छुटकारा पाने का प्रयास करते हुए नजर आए। टीजर में देखा जा सकता है कि महल के उस कमरे का दरवाजा खुल गया है जहां मंजुलिका बसती है। भूतनी से न डरने वाले रूह बाबा के हाथों जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो मंजुलिका के तांडव से उनकी भी रूह कांप जाती है। टीजर में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। तृप्ति डिमरी के साथ कार्तिक आर्यन का रोमांटिक सीक्वेंस भी ध्यान खींचने वाला है। टीजर आउट होते ही लोग इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं। मालूम हो कि भूल भुलैया 3 में कार्तिक के साथ लीड रोल में तृप्ति डिमरी है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। मूवी दिवाली के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।